आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नोइंग द पास्ट यह हिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है तो चलिए अब मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको हिस्ट्री समझने में आसानी होगी तो बेसिकली हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री तो पहला है प्री हिस्ट्री प्री का मतलब होता है बिफोर हिस्ट्री तो प्री हिस्ट्री हम वैसे पीरियड को बोलते हैं जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था और दूसरा है हिस्ट्री हिस्ट्री को हम लोग फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एनशेंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस चैप्टर का व्हाट इज हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री इज़ द नॉलेज ऑफ आवर पास्ट इट इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम द स्टोन एज टू मॉडर्न टाइम ह्यूमन हैव चेंज अ लॉट सिंस द टाइम दे फर्स्ट एपियर्ड ऑन अर्थ स्टडिंग हिस्ट्री टेल्स स्टोरी ऑफ आर एनसटर्स देयर कल्चर लाइफ स्टाइल ट्रेडिशंस कस्टम सोशियो इकोनॉमिक सेटअप पॉलिटिकल सिस्टम फेलियर्स सक्सेस एंड देयर प्रॉब्लम्स तो हिस्ट्री को यहाँ पर बहुत ही बेसिक सर टर्म में डिफाइन किया है हिस्ट्री इज द नॉलेज ऑफ आर पास्ट यह एक कहानी है ह्यूमन के इवोल्यूशन का फ्रॉम स्टोन एज टू मॉडर्न टाइम स्टोन एज से मॉडर्न टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पहले हम लोग रेंग कर चलते थे फिर झुक कर चलने लगे और अभी हम लोग स्ट्रेट चलने लगे तो वो कैसे हुआ इवोल्यूशन उस दौरान हमारे क्या क्या बदलाव आए थे हमारे ट्रेडिशन में कस्टम्स में लाइफ स्टाइल्स में तो इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं हिस्टोरियंस आर पीपल हु स्टडी द पास्ट इन अ अस्टमेटिक वे एंड रिकॉर्ड इवेंट्स हीरोडोटस डोटस वॉज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हु हुटडीड हिस्ट्री एंड इज देयर फोर नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरियंस वैसे लोगों को कहते हैं जो पास्ट के बारे में पढ़ाई करता हो या फिर रिसर्च करता हो तो ऐसा माना जाता है कि हीरो जो थे वो बहुत ही पुराने इस्कॉलर थे हिस्ट, हिस्ट्री के उन्हें बहुत जानकारी थी हिस्ट्री की इसीलिए उन्हें फ़ादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है सो so, ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि हीरोस को फादर ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री यू मस्ट हैव ऑफन वॉन्डर्ड ड्यूरिंग अ हिस्ट्री क्लास वाई मस्ट वी स्टडी अबाउट द पास्ट कि हम लोग पास्ट के बारे में क्यों पढ़ाई करते हैं ये सब्जेक्ट ही क्यों है तो इसका आंसर है ये कि द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आर पास्ट हैज़ गिवन मेनी गिफ्ट्स हमारे जो पास्ट है वो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं इसलिए हमें अपने पास्ट के बारे में जानना है तो आप पूछोगे कैसे गिफ्ट्स तो जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो ये अचानक से नहीं निकला ये एक टाइम टू टाइम इवॉल्व किया है वो लैंग्वेज हमारा सिविलाइजेशन हमारा लाइफ साइंस और टेक्नोलॉजी ऑल आर ऑल गिफ्ट्स ऑफ आर पास्ट ये सभी जो गिफ्ट्स हैं हमारे पास्ट के दस इन रिटर्न वी शुड एक्नोलेज आर पास्ट कंट्रीब्यूशन एंड इंटरप्रेट इन इन यूजफुल वेज टू शेप आवर फ्यूचर चॉइस तो ये सारे जो गिफ्ट्स मिले हैं हमें हमारे पास्ट में इसे हम लोग जाने और फ्यूचर में हमें इन इस इन चीज़ों का इस्तेमाल करें studying history also enables us to th link the present to the past and in this process we get to learn a lot about ourselves the time we live in and what saved it for example relation between countries can be better understood by going back into the past more importantly the past also teaches us to recognize the mistake we made and guide us in the future दस वी एंड अप मेकिंग बेटर चॉइसेस। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इंटू टू ब्रॉड पीरियड्स प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्री हिस्ट्री वैसे पीरियड को बोलते हैं जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले के पीरियड को प्री हिस्ट्री कहते हैं हेंस देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स टू रिकन्स्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी मटेरियल रिमेन लाइक बोन्स टूल्स वेपन्स पॉट्स ऑर्नामेंट केव ड्वेलिंग्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय आर एंड तो अब आप सोचोगे कि जो प्री हिस्ट्री है उस वक्त तो कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था तो हमें उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें उनकी हम उनके बारे में जानते कैसे हैं तो जो हिस्टोरियंस है और आर्कियोलॉजिस्ट हैं आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करता है तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो पुरानी चीज़ जैसे कि हड्डियाँ जो कि कभी गलती टूल्स कुछ पत्थर का टूल्स हथियार वेपन्स पॉट्स जो बर्तन होते थे ऑर्नामेंट्स जो कहना पहने जाते थे केव डवेलिंग्स जो गड्ढे खोदे जाते थे और केव पेंटिंग जो गुफा में पेंटिंग्स किए जाते थे उस इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ कर इन सब को देख कर हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने हैं और हमारे जो एनसेस्टर्स हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे रहते होंगे बाई स्टडिंग दिस एविडेंस दे गेट एन आइडिया ऑफ हाओ आर एनसिसटर लिव्ड इन सब बातों की जानकारी लेकर हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कैसे रहते थे सम ट्राइब्स लाइक द पिगमीस ऑफ जायर एंड द बुश मैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू टू लिव एज दे डिड अर्लियर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि जैसे उनके एनसिसटर्स रहते थे वैसे ही वो लोग अभी भी रह रहे हैं बिगमिस ऑफ जायर ज़ायर एक कंट्री है जो कि अफ्रीका का है और बुशमेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये सब एक ऐसे जगह हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि ये सब ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं अभी भी जैसे उनके एनसेस्टर्स रहते थे द पीरियड आफ्टर द इन्वेंसन ऑफ राइटिंग इज़ कॉल्ड हिस्ट्री जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया उसके बाद के पीरियड को हिस्ट्री कहते हैं राइटिंग डेवलप्ड अराउंड 5,000 थाउजेंड ईयर्स हो ऐसा ये माना जाता है कि राइटिंग जो है लिखा गया था वो 500 साल पहले अर्लीस्ट राइटिंग वेयर फाउंड ऑन रॉक्स पिलर्स बार्क ऑफ ट्रीज एंड लिप्स पैचमेंट्स कॉपर प्लेट एंड क्लेटेबल यहाँ जो पैचमेंट है इसका मतलब होता है सीप की खाल भेड़िए की खाल में लिखा गया वंस पेपर वॉज डिस्कवर्ड ऑल राइटिंग वॉज डन ऑन द पेपर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट बी कैम मोर डिटेल्ड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ बुक इजियर एंड फास्टर टू द कॉमन मैन जब राइटिंग का इन्वेंसन हो गया लोग पत्ते में लिखते थे बार्क में बार्क ऑफ द ट्रीज पेड़ के खाल में लिखते थे या फिर किसी जानवर के खाल में लिखते थे तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पेपर का इन्वेंशन हुआ फिर लोग उस पेपर में ही सारे रिकॉर्ड्स को लिखा करते थे फिर जब कुछ दिनों के बाद प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस जैसे जेरोक्स मशीन है तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस जब बना था तो ये बहुत ही आसान हो गया प्रोडक्शन करने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का बुक नहीं तो पहले के ज़माने में जो बुक्स हुआ करते थे वो हाथ से ही लिखा करते थे और एक बार जब प्रिंटिंग प्रेस बन गया इन्वेंशन हो गई तो बहुत आसानी होता था डिस्ट्रीब्यूट करना और किसी चीज़ को छापना टाइम एंड हिस्ट्री इस टॉपिक में हम लोग टाइम के बारे में समझेंगे तो हिस्टोरियंस यूज द टर्म बी सी एंड ए डी टू रेफर टू द टाइम वैन अ सर्टन इवेंट अकर्ड हिस्टोरियन मार्क टाइम ऑन अ टाइम लाइन तो हिस्टोरियन ने एक टाइम लाइन बनाया जिस तरीके से आप लोग नंबर लाइन बनाते हो अपने मैथ्स के कॉपी में वैसे हिस्टोरियंस जो थे वो टाइम लाइन बनाए थे और जिस तरीके से हम लोग अपने मैथ्स के नंबर लाइन में बीच में जीरो लिखते थे और उसके बाद उसके पहले जो होता था लेफ़्ट साइड में उसमें हम लोग माइनस नंबरिंग करते थे और जो राइट right साइड में होता था उसे हम लोग पॉजिटिव नंबरिंग प्लस नंबरिंग करते थे तो जस्ट सेम लाइक दैट हिस्टोरियंस ने भी जो बीच का जो टाइम था जिस जिसे कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द टाइम लाइन उसमें उन्होंने बोला था कि अब इस वक्त जीसस का जन्म हुआ था इस ईयर में और उसके पहले के ईयर को कहते थे बिफोर क्राइस्ट और उसके बाद के ईयर को कहते थे एनोडोमिनी एनोडोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द मिड पॉइंट ऑफ द टाइम लाइन इज़ द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट विच इज़ ईयर वन द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ़ Jesus क्राइस्ट आर expressed इन B.C. meaning मीनिंग बिफोर क्राइस्ट एंड आर काउंटेड बैकवर्ड ठीक है तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ईयर वन था ये तो 2021 चल रहा है पर जब ईयर वन था उसे माना गया था कि उस वक्त जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और उससे पहले के टाइम को जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था और उसे बैकवर्ड काउंट किया जाता था बैकवर्ड काउंट किया जाता था एग्जाम्पल में समझिए 250 फिफ्टी बी सी विल कम बिफोर टू हंड्रेड बी सी द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ़ क्राइस्ट आर एक्सप्रेसड इन एनोडोमिनी बिफोर क्राइस्ट का जो टाइमिंग होता था जैसे कि आप ये समझ लो कि अभी दो हज़ार इक्कीस है दो हज़ार इक्कीस के बाद दो हज़ार बाईस आएगा पर जब हम लोग बिफोर क्राइस्ट का देखते हैं तो वहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग चलता है पहले वहाँ पे 250 आएगा फिर 200 सौ आएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चलिए आगे देखते हैं द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर एक्सप्रेस इन ए डी मीन एनोडोमिनी मीनिंग द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ़ द लॉर्ड दिस ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड ए डी कम्स बिफोर वन ट्वेंटी ए डी यहाँ पर जैसे हम लोग का चल रहा है भी दो हज़ार इक्कीस इसके बाद दो हज़ार बाईस आएगा तो ये ऐसा चलता है बट बी सी में उल्टा चलता है समटाइम्स सिरका डिनोटेड बाई सी एज़ यूज बिफोर बी सी एंड ए डी टू रिफर टू एन अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड बट नॉट एंड एग्जैक्ट वन टूडे वी ऑल्सो रेफर टू बी सी एस बी सी ई बिफोर द क्रिश्चन एरा एंड ए डी एस सी ई द क्रिश्चन एरा क्रिश्चियन एरा इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन एरा तो जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ का डेट हम लोग को पता हो तो जिस जब हम लोग को किसी चीज़ का डेट नहीं पता होता है तो हम लोग सिरका का इस्तेमाल करते हैं और इसे डिनोट करते हैं सी ए से ओके okay? और बी सी को हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट ए एरा और सी ई e. यानी कि ए डी को बोलते हैं हम लोग क्रिश्चियन एरा और क्रिश्चियन एरा को हम लोग कॉमन एरा भी बोलते हैं तो आई होप आप समझ गए होंगे टाइम को किस तरीके से डिनोट किया जाता है हिस्ट्री में कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री जियोग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में एंसेंट पीरियड के बारे में पढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है तो चलिए वो उसे देखते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस एंड इट्स क्लाइमेट हैव हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल थ्रू द एजेस फॉर एग्जाम्पल द एवेलेबिलिटी ऑफ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर टिम्बर फूड एंड एनिबल लैंड डिटरमाइंड वेयर पीपल सेटल्ड इन द पास्ट पीपल सेटल्ड इन द प्लेस क्लोज टू अ रिवर बिकॉज रिवर और वॉटर वॉज अ नेसेसिटी वाटर वॉज नेसेसिटी द रिवर प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिवर्स वेयर यूज एज वाटर वेज फॉर डोमेस्टिक यूज फॉर इरीगेशन एंड वर सोर्स ऑफ फूड तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज थे हमारे दादाजी के पिताजी पिताजी के पिताजी तो हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ पर सेटल्ड होते थे तो बेसिकली वो वहीं पर अपना घर बसाते थे जहाँ पर उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत आसानी से मिल जाती है जैसे कि पानी हुआ टिम्बर हुआ फ़ूड हुआ और एरिबल लैंड एरिबल लैंड वैसे जगह को कहते हैं जहाँ पर हम लोग आसानी से खेती कर सकें तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी वहाँ के वहाँ पर लोग जाकर जल्दी बसते थे In this valley Egyptian Mesopotamian and Chinese civilizations were river valley civilizations which flourished for many years on the other hand hostile climate conditions like droughts earthquake and snow led to migration of people on a large scale long coastline help in maritime trade while rich mineral deposit led to rise of great empires such as magad empire present-day jharkhand and bihar thus history and geography together determine the origin duration and longevity of different civilizations and dynasties हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मैसोपोटामियन सिविलाइजेशंस और चाइनीज़ सिविलाइजेशन और जब हम लोग ये सारे सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो उनमें एक कॉमन सी बात है कि ये सारे सिविलाइज सिविलाइज जो लोग थे वे नदी के किनारे ही बसते थे क्योंकि वहाँ से उन्हें बहुत ईजिली पानी मिल जाता था और वो पानी के थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते थे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रिवर है तो उनके पास रिवर के पास ज़्यादा लोग बसा करते थे और कह रहा है ऑन द अदर हैंड जहाँ पर भूकंप आता था या सखाव होता था वहाँ से लोग माइग्रेट करते थे माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना तो जहाँ पर सखाव पड़ता था या फिर भूकंप आता था या फिर बाढ़ आता था या फिर बर्फ़ गिरता था तो इन सब जगह से लोग इन जगह को खाली करके कहीं दूसरे जगह चले जाते थे और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जहाँ पर मिनरल डिपोज़िट ज़्यादा होता था जहाँ पर ज़्यादा लोहा निकलता था वहाँ पर एक अम्पायर लोग रहना चाहते थे जैसे कि मगध अम्पायर है तो ये ये झारखंड बिहार जो कि मगध अम्पायर मगध जो कि झारखंड बिहार को कहते हैं वहाँ पर बहुत मिनरल है तो इसीलिए ये राजा सब भी वहीं पर बसते थे हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट हमें पास्ट के बारे में जानकारी कैसे मिली Just as an investigator studies the clues available at the scene of a crime to draw conclusions historians gathered information from the different type of clues or evidence left by man in the past to reconstruct it these clues are called the source of history this source can be divided into two types archaeological and literary जिस तरीके से पुलिस क्राइम सीन पर जाकर वहाँ पर जो सुराग रहते हैं उसे देखकर वो किसी कंक्लूज़न पे आता है सेम लाइक दैट आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरियंस जो हैं वो पास्ट के चीज़ों का इंफॉर्मेशन लेकर वो एक एविडेंस बनाकर उस ये फिर एक कंक्लूज़न पर आते हैं वो जो एविडेंस रहते हैं जो हमारे पास्ट में जो हमारे पूर्वज छोड़ कर गए हैं जैसे कि केव्स पर पेंटिंग बनाना जानवरों के खाल पर लिखना कुछ पत्तों पर लिखना ये सभी जो बचे हुए थे इन सभी के बारे में पढ़ाई कर कर कि ये कितने पुराने हैं ये सब का जानकारी लेकर हम ये पता करते हैं कि हमारे जो पास्ट में थे हिस्ट्री जो हमारे पूर्वज का पास्ट था वो कैसा था और ये सारे क्लूज़ को हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री और ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा है लिटरेरी तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स क्या है पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री मैंने आपको इस चैप्टर के बिगनिंग में ही बताया था कि आर्क्योलॉजिस्ट उन लोगों को हम लोग कहते हैं जो पुराने चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं और अगर आप उन्हें कोई पुराना चीज़ ला कर दे दोगे और आप पूछोगे कि ये कितना पुराना है तो वे उस चीज़ पर एग्जामिन करके वो एग्जैक्ट बता देंगे कि वो कितना पुराना है तो वैसे लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और उसके स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं मोस्ट ऑफ़ आर इन्फॉर्मेशंस अबाउट प्री हिस्टोरिक मैन द इंदस वैली पीपल एंड अदर एंसियंट सेविलाइजेशंस इज बेस्ड अपॉन आर्क्योलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें इंदर्स वैली सिविलाइजेशन या फिर उससे पुराने पुराने जो प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं इन सब का पता हम लोग हम लोग को आर्किोलॉजिकल के थ्रू हम लोग को पता चलता है आर्किोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट लाइक मोन्यूमेंट टूल्स पोइट्री कॉइंस वेपन पेंटिंग्स इथिक एंड अदर आर्टिफेक्ट्स तो जो हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्क्योलॉजी स्टडी होता है जिसमें कि पुराने चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है चाहे वो कोई कॉइन uh, हो या फिर कोई बर्तन का सामान हो कोई भी चीज़ वेपन हो ओके okay? और ए पर्सन हु स्टडी दिस सोर्स इज कॉल्ड आर्क्योलॉजिस्ट और इस चीज़ का जो पढ़ाई करता है उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं टुडे इट हैज़ ऑल्सो बिकम पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू फाइंड द एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आज के ज़माने में आर्कियोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि वो किसी जानवर को देखकर मरे हुए जानवर को देखकर बता देंगे कि ये कितने साल तक जिए थे और ये जो मरा है वो कितने साल पहले मरा है इतना एडवांस हो चुका है टूडे इट uh, has also बिकम पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू फाइंड द age ऑफ organisms which आर लॉन्ग डेट by अ method कॉल्ड कार्बन फोर्टीन डेटिंग कार्बन फोर्टीन डेटिंग एक तरीके का मेथड है जिससे कि आप एग्जैक्ट डेट पता कर सकते हो कि वो कितने साल तक जिया था और कब मरा था विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन फोर्टीन इन द रिमेन्स ऑल लिविंग बींग टेक इन सम रेडियो एक्टिव कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर ड्यूरिंग देयर लाइफ्स तो और ये कार्बन फोर्टीन से हम लोग को कैसे पता चलता है क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने बॉडी में लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर रहता है और एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये कितना दिन तक जिंदा था When दे डाई द एलिमेंट इन देयर बॉडीज़ बिगिन टू decay एट अ fixed रेट सो बाय द एग्जामिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन फोर्टीन स्टिल रिमेनिंग इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉड बोन्स archaeologists कैन कैलकुलेट देयर एज आर्कियोलॉजिस्ट उनका एज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट डीग डीग अप बरी ड्रीमेंट एंड ब्रिंग टू लाइट सच क्लूज और एविडेंस एंड इंटरप्रेट देयर मीनिंग आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोई दफनाया हुआ चीज़ को भी निकाल कर बता देंगे बता देते हैं कि ये कब का है और ये कितने दिन तक ये ठीक ठाक था आर्किलॉजिकल फाइंडिंग्स आर यूजली इन फोर फॉर्म्स आर्कियोलॉजिकल जो खोज करते हैं वो बेसिकली चार तरीके का होता है पहला है इंस्क्रिप्शंस, दूसरा है कॉइंस तीसरा है मॉन्यूमेंट्स और चौथा है आर्टिफिक्ट और ऑब्जेक्ट्स तो सबसे पहला है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज का लिखा होना तो चलिए समझते हैं इन एंशियंट टाइम रूलर्स इंक्रेब इंपॉर्टेंट मैसेज ऑन रॉक्स पिलर्स, स्टोन वॉल्स क्ले टैबलेट्स एंड कॉपर प्लेट्स पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे वो मैसेज कुछ लिखना होता था तो वो किसी पत्थर पर लिखते थे या तो पिलर पर लिखते थे या तो दीवार पर लिखते थे क्ले टैबलेट्स और कॉपर पर भी लिखा करते थे दीज राइटिंग आर नोन एज इन और ऐसे लिखावटी को हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं द स्टडी ऑफ ओल्ड इंक्रिप्शन इज़ नोन एज पीग्राफी और इसका जो इस्टी होता है कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है और ये कब लिखा गया है इसे ऐपिग्राफी कहते हैं इस्टडी ऑफ दिज इंस्क्रिप्शन थ्रो लाइट अपॉन द लैंगवेज ऑफ द पीपल नेम्स ऑफ द रूलर्स द एयर द रूल्ड द मिलेट्री अचीवमेंट्स द रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस एंड मैनी अदर डिटेल्स और इन इंस्क्रिप्शंस में यही सब बातें लिखी रहती है कि कोई राजा कितना दिन तक रूल किया उनके मिलिट्री का क्या क्या अचीवमेंट था कौन से रिलीजन से वो बिलोंग करते थे और उस वक्त का सोशल कंडीशंस को लिखा जाता था फॉर एग्जांपल अ स्टडी ऑफ किंग असोकाज इंस्क्रिप्शंस ऑन पीलर्स एंड रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स हिज अचीवमेंट हिज रिलीजियस बिलीव्स एंड हिज इंस्ट्रक्शंस फॉर द कॉमन पब्लिक किंग अशोका जो कि इंडिया के एक बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं वो अपने शासन के टाइम पर एक पिलर बनवाए थे जिसका नाम था अशोका पिलर जो कि फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है उस पिलर पर उन्होंने अपने कम, अपने आर्मी के अचीवमेंट्स लिखे थे अपने रिलीजियस बिलीफ लिखे थे और सोशल कंसर्न फॉर द पब्लिक और सोशल कंसर्न जो जो होना चाहिए था वो सब उस पिलर में लिखे थे तो जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस वक्त का कैसा रहन सहन हुआ करता था इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन देख चुका था अब सेकेंड जो है वो है कॉइंस तो कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड डोमिस्मेटिक्स क्वाइंस आर मेड ऑफ मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर एंड देयर फोर आर नॉट डिस्ट्रॉयड ईजली They have the names and images of the rulers stamped upon them and also give information such as the date of accession and death of the rulers. Thus, they help in fixing the chronology for various dynasties. The metal content in the coin also indicates the economic condition of an empire. For example, high gold or silver content in a coin indicates that an empire was economically prosperous. Similarly, the opposite indicates that an empire was economically stagnating. Apart from this, the presence of Indian coins in the foreign lands indicate foreign trade. आप लोगों को ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि पुराने जमाने में बहुत पुराने टाइम पर सोने के सिक्के चलते थे या फिर सिल्वर के तो आपको यहाँ से आइडिया तो मिल गया होगा कि जो सोने के सिक्के होते थे और जो सिल्वर के सिक्के होते थे वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते थे और जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होते थे तो इससे हम लोग के आर्क्योलॉजिस्ट जो थे उन्हें ये बहुत आसानी होती थी पता करने में कि कैसा समय हुआ करता था उस वक्त और पुराने कॉइन्स को देखकर उस वक्त के राजा के कंडीशंस का भी पता लगाया जाता था जैसे कि अगर किसी राजा के टाइम पर उसके कॉइन पर गोल्ड या सिल्वर का कंटेंट कंटेंट अगर ज़्यादा रहता था मतलब वो जो कॉइन रहता था अगर उसमें सोने की मात्रा ज़्यादा रहती थी तो ऐसा माना जाता था कि वो राजा बहुत अमीर है और सब कुछ प्रॉस्पेरस है वहाँ पर पर अगर राजा के कॉइन में गोल्ड या सिल्वर का मात्रा कम रहता था तो ऐसा माना जाता था कि वो राजा थोड़ा गरीब हुआ करता था और जब कभी विदेश में इंडिया का सिक्का पाया जाता था तो उससे यह पता चलता था कि उस वक्त फॉरेन ट्रेड हुआ करता था फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि बिज़नेस हुआ करता था इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में और जो हमारा तीसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कोई बिल्डिंग या फिर कोई किला एनसियंट बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल्स प्लेसेस फॉर्ट्स आर नोन एज मोन्यूमेंट तो जो पुरानी बिल्डिंग हुई करती थी जैसे कि कोई मंदिर हुआ या फिर कोई पैलेस हुआ या फिर कोई किला हुआ उसे हम लोग बोलते थे मोन्यूमेंट्स दे वर बिल्ड फॉर डिफरेंट रीजनस एंड गिव अज इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड द टाइम ऑफ द पीपल और ये सब बिल्डिंग को हम हमें देख कर यह पता चलता है कि, कि उस वक्त इस, इस बिल्डिंग का क्या काम हुआ हो करता हो, था फॉर एग्ज़ाम्पल द कार्विंग ऑफ द पैनल ऑफ़ द कुतुब मीनार टेल्स अज अबाउट द रेन ऑफ द दिल्ली सुल्तान एंड द कार्व्ड पैनल ऑन द वॉल एंड द रेलिंग एट द सच इसल स्टोरीज फ्राम द लाइफ ऑफ द बुद्धा जब हम लोग दहली का कुतुब मीनार देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो अर्ली दिल्ली सुल्तान थे जो बहुत पहले दहली को जीते थे उन्होंने ये उसे बनवाया था कुतुब मीनार को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट बाय सी वांग टी टू कीप आउट द टेरेट्स सम मॉन्यूमेंट लाइक द रेड फोर्ट वेयर बिल्ट एज अ रेजिडेंटल प्लेसिस फॉर किंग्स वाइल्ड अदर्स लाइक द ताजमहल वेयर बिल्ट एज टॉम्ब दिस डिफरेंट बिल्डिंग सर्वड डिफरेंट पर्पसेस तो बेसिकली इन सारे मॉन्यूमेंट्स को देखने के बाद और इन मॉन्यूमेंट्स में लिखे गए इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है अब हमारा लास्ट आर्क्योलॉजिकल सोर्स ऑफ स्टडी है आर्टिफैक्ट्स इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग ऑन वॉल्स एंड स्टोन्स कार्विंग हेल्प हिस्टोरियंस टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ द कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ एंसियंट सोसाइटीज एग्जाम्पल द केव पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा अदर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉट्स टॉयज ज्वेलरी वेपन्स शॉर्ट स्टैचूज टेरा कोट ऑफ फिगर्स एंड इस सील्स ऑल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम इन हिस्ट्री तो बेसिकली आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स में हम लोग पढ़े कि जो पुराने समय के लोग थे वो जो पेंट करते थे दीवार पे और वो जो पिक्चर बनाते थे किसी केप में तो उससे हम लोग के उस उनके सिविलाइज्ड होने का पता चलता था कि वो लोग कितने अच्छे पेंटर थे कितने अच्छे वो सब स्कल्प्टर थे जो मूर्ति बनाते थे और कितने सिविलाइज थे उस वक्त के लोग तो ये जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई चार चीज़ें बताई ये सभी थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्टडी अब हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स लिटरेरी सोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिटरेरी सोर्स इट टुक ह्यूमन्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड पीपल रोट ऑन पाम लीब्स एंड द बार्क ऑफ बिर्च ट्रीज दिस हैंड रिटन रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स विच इंक्लूड बोथ रिलीजियस एंड सेक्लर लिटरेचर आर कार्ड मैन्यू स्क्रिप्ट

और जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग उस वक्त पेड़ की खाल पर लिखा करते थे जो कि कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता था पर फिर भी कुछ जो चीज़ें थी वो बची रही जैसे कि टेंपल्स और मोनेस्ट्रीज़ में रखा गया मोनेस्ट्रीज उन्हें कहते हैं ए बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वोस तो मोनेस्ट्रीज में रखा गया जो कि सेव थे प्रिजर्व थे तो ऐसे ही हम लोग लिटरेरी सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर तो पहले हम लोग देखते हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में ऑल स्क्रिप्चर्स आर एसोसिएटेड विथ रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट एंड आर कॉल्ड रिलीजियस सोर्सेस दीज इंक्लूड वेदास द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट ऑफ़ द आर्यस इपिक्स इंक्लूड द रामायणा द महाभारत द गीता एंड द पुरान्स बुद्धिस त्रिप्तिकास विटन मोस्टली इन पाली एंड लेटर इन संस्कृत एंड टिल्स अबाउट द बुद्धिज्म एंड द लाइफ ऑफ पीपल इन द दिक्कत सेंचुरी बी बिफोर क्राइस्ट एरा जैन लिटरेचर लाइक द अंगास वर रिटन मोस्टली इन प्रकृत एंड आर फुल ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन तो कुछ रिलीजियस लिटरेचर हैं जिसे पढ़कर हमारे हमें पास्ट के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं जैसे कि वेद जो है वो आर्यंस के टाइम पर लिखा गया था फिर इपिक जैसे कि रामायण महाभारत गीता और पुराण फिर बुद्धिस्ट तृप्तिकास ये सब भी लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में और फिर बाद में इसे संस्कृत में कन्वर्ट किया गया था बुद्धिस्ट तृप्तिकाज में बुद्धिज़म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है जिसे पढ़कर हमें सिक्स सेंचुरी बीसीई के टाइम के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं नेक्स्ट है जैन लिटरेचर लाइक द अंगास वे रिटन मोस्टली इन प्राकृत एंड फुल ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जैन लिटरेचर को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल मिलते हैं और हमें पता चलता है कि उस वक्त का थाट कैसा हुआ करता था लोग कैसे हुए करते थे अब है हमारा सेकुलर लिटरेचर नन रिलीजियस टेक्स्ट ऑन पीपल प्लेस पॉलिटिक्स साइंस लॉ मेडिसिन लाइफ ऑफ अ किंग एंड अदर जनरल सब्जेक्ट आर नोन एज सेकुलर लिटरेचर सिकुलर लिटरेचर का मतलब होता है नॉन रिलीजियस टेक्स्ट ऑन पीपल मतलब ये रिलीजियस के बारे में नहीं होता इस सेकुलर लिटरेचर में होता है किसी जगह के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में साइंस के बारे में लॉ के बारे में मेडिसिन के बारे में और किसी राजा का जिंदगी कैसा था उसके बारे में तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कुछ सेकुलर लिटरेचर्स के बारे में ट्रैवल लॉग्स और अकाउंट ऑफ फॉरन ट्रैवलर्स लाइक मेगस्थनीस इंडिका एंड चाइनीज़ ट्रैवलर अकाउंट बाय फा हेन एंड ह्यूंगसन तो पहले के ज़माने में कुछ ट्रैवलर्स होते थे जो राजा के दरबार पर आकर राजा के बारे में लिखा करते थे अपने एक नोट बुक में राजा की क्या क्या खूबियाँ थीं तो ये सब पढ़ कर हमें पता चलता था कि कैसे थे उस वक्त के लोग दूसरा है बायोग्राफी सच एज़ हर्स चरित्र बाय बान भट्टा एंड कल्हाज राजिनी ड्रामाज एंड पोएस सच एज़ कालीदास अभिजनम शकुंतलम एंड मेघ दूता ये सब कुछ ड्रामा थे उस वक्त के बारे में उस वक्त के कंपोज uh, ड्रामा और कुछ पोएम्स फॉक टेल सच एज़ पंचतंत्र एंड द जताका लॉ बुक सच एज मनुस्मृति और पॉलिटिकल ट्रीटरी ट्रीटरीज लाइक कॉटलियर्स अर्थ शास्त्र तो ये सब जो बुक्स हैं ये सब बहुत पुराने बुक्स हैं तो इन बुक्स को पढ़ने के बाद हमें उस टाइम के लाइफ के बारे में जानकारियाँ मिलती थी ए केयरफुल स्टडी ऑफ दिस सोर्स हेल्प टू रिकन्स्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट Archaeologists and historians work together and complete the jigsaw puzzle of our ancient past by checking and rechecking facts derived from various sources to give a fairly accurate picture. The entire story of our past cannot be told as we are continuously finding more evidence and discovering our past gradually. Thus, the history that we read is the result of lifelong research by the many scholars and is ever changing. तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्टडी और फिर लिटरेरी सोर्स ऑफ स्टडी इन सब चीज़ों से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है और बहुत सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारे पास्ट के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं जिसे हम लोग अपने फिर बुक्स में पढ़ते हैं और अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, अपने पूर्वजों के पास्ट के बारे में जानते हैं तो आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा Thank you for watching.